गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 31 जुलाई 2020 के टॉप 10 करेंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको पर डे फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में कौन से प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं, यानी ये जो प्रीतम सिंह हैं सिंगापुर की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, किस क्रम के? पहले बने हैं, दूसरे बने हैं, तीसरे बने हैं या चौथे बने हैं? सही जवाब है विद्यार्थियों इसका ये, पहले ऐसे प्रतिपक्ष नेता बने हैं जो भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में पहले भारतीय मूल के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनावों में 10 सीटें जीती थी और सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई थी। तो ध्यान रखेंगे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में अपना सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? 90 मिनट में ये ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचाएंगे, क्या नाम है उस सर्विस का? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट न्यू, फ्लिपकार्ट फास्ट, फ्लिपकार्ट क्विक या माई फ्लिपकार्ट टेस्ट। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका फ्लिपकार्ट क्विक। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में आप 2 घंटे का स्लॉट अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। कस्टमर इस सर्विस के तहत दिन भर में कभी भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 जुलाई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जुलाई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो सबको पता है इसका जवाब, कल बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड और फेसबुक पे भी आपने देखा होगा लोग अपने मित्रजनों की फ़ोटो लगा रहे थे, उन्हें टैग कर रहे थे, मित्रता दिवस था कल, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस था, ध्यान रखेंगे। तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, WHO से प्राप्त अनुरोध के कारण भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? मतलब WHO ने भारत से कहा, मतलब अनुरोध किया कि आप जो है इस देश को 1 मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाइए, और तब भारत ने इस देश को ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। ऑप्शन है कौन सा देश है वो, देखिए ज़रा, उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन, वहाँ पर हमने जो है चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई है। WHO से प्राप्त अनुरोध के आधार पर भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अधीन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य वन विभाग के एक वन सर्वेक्षण में पाया गया है कि चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, मुख्य रूप से वह गंगा डॉल्फिन है, तो इनकी संख्या घट रही है। अब प्रश्न ये है, ये जो चंबल अभयारण्य है किस राज्य में है? ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों मध्य प्रदेश। लेकिन ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, यूपी में भी अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका थोड़ा हिस्सा राजस्थान में भी जाता है, जैसा कि आप व्याख्या में देख पाओगे। मध्य प्रदेश वन विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 435 किलोमीटर के चंबल अभयारण्य में डॉल्फिनों की संख्या घटकर 68 रह गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले इस अभयारण्य में 2019 में सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 2016 में इनकी संख्या 78, 17 में 75,
2018 में 74 रह गई थी और 2020 में ये जो है केवल 68 रह गई है। तो एक चिंताजनक बात है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे हम भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि इतना ज़्यादा जो है घट रही है डॉल्फिन्स की संख्या हमारी नदियों में, ये चिंताजनक बात है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या मॉरिशस। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने जिस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है वो देश है विद्यार्थियों मॉरिशस, हमारा पड़ोसी देश है। प्रधानमंत्री जी ने 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया मॉरिशस के पीएम प्रवीण जुगन्नाथ के साथ। ध्यान रखना, ये प्रवीण जगन्नाथ या जुगन्नाथ जो भी इन्हें कहा जाता है, ये मॉरिशस के पीएम हैं, ध्यान रखिएगा। और भारतीय मूल के हैं, मुख्य रूप से बिहार के हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। और मॉरिशस के पीएम और इंडिया के पीएम ने मिलकर के इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इनका नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित में से किसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कड़े नियम तय करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ग्राउंड वाटर, एक्वेरियम जीव, कचरा प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका ग्राउंड वाटर। जो हमारा भूमिगत जल है उसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए नए नियम बनाने का, और ये नियम जो है काफ़ी कठिन होंगे, ये फैसला लिया है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। आप देख सकते हो व्याख्या में, एनजीटी ने वाणिज्यिक भूजल उपयोग के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की हैं। भारत में लगभग 89% भूजल किसानों द्वारा, 5% उद्योगों द्वारा निकाला जाता है, शेष भूमिगत जल का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, एक चिंताजनक बात है भारत में कि जो भूमिगत जल है हमारा वो लगातार घटता जा रहा है। अगर हम दक्षिण भारत में जाएँ तो चेन्नई में तो तकरीबन भूमिगत जल की समाप्ति हो ही चुकी है, वहाँ पर तकरीबन समाप्त हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो ये एक गंभीर समस्या है भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर ग्राउंड वाटर का लेवल इतना तेज़ी से घट रहा है। अब देखिए, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं समर। अब समर जो होती है बड़ा ही तेज़ी से पानी को खींचती है और कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता से अधिक पानी दे देती है, जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा। इससे क्या होता है, वो पानी बर्बाद होता है और फिर यही क्रम लगातार चलता रहता है और हम लगातार अपने भूमिगत जल का दोहन करते रहते हैं, जिससे वाटर लेवल लगातार नीचे गिर रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है, सरकार को और हम लोगों को इस पर जल्द ही विचार करना चाहिए। चलिए आगे देखें। निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं? ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नजीब रज्जाक? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान या मलेशिया। तो ये जो हैं नजीब रज्जाक, ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 7 मामलों में भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं। उन्हें आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग के 3-3 मामलों में प्रत्येक में 10-10 साल की जेल मिली है। साथ ही उन पर 368 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये एक शर्मनाक बात है एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगना। चलिए आगे देखते हैं। दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स ने इनमें से किस कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया है? ऑप्शन टॉपर, बायजू, जियो या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फंडिंग मिली है ये टॉपर को मिली है, ध्यान रखना, ये टॉपर है, टॉपर लिखा हुआ है, टॉपर है ये, ठीक है। दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स ने टॉपर कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया है। अब फंडिंग के साथ स्टार्टअप कंपनी AI बेस्ड टॉपर स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी।
कोरोना के दौरान एजुकेशन टेक स्टार्टअप जैसे बायजू, अनअकैडमी, वेदांतु ने काफ़ी फंड जुटाया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ कपास निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है या उस पर काम चल रहा है? भारत किस देश के साथ कपास निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम कर रहा है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, थाईलैंड या बांग्लादेश। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों बांग्लादेश। बांग्लादेश को 1.5 से 2 मिलियन बेल्स कपास निर्यात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम किया जा रहा है। भारतीय कपास निगम ने फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश में यह कदम उठाया है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करेंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 31 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।